बिग बॉस ओटीटी में अपनी एंट्री पर शमिता ने बोला झूठ। एंड मोमेंट पर उन्हें ऑफर हुआ था शो। ऑफर मिलते ही शमिता ने कह दिया था हाँ। बॉलीवुड अभिनेत्री शमिता शेट्टी रविवार को शुरू हुए सबसे विवादित रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी में बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंची। शमिता की बिग बॉस में ये पहली जर्नी नहीं है। आज से तकरीबन 10 साल पहले भी वो बिग बॉस सीजन 3 में नजर आ चुकी हैं। शमिता ने तब शो में 34 दिन गुजारे थे और फिर बहन शिल्पा शेट्टी की राज कुंद्रा से शादी के चलते शो बीच में छोड़कर बाहर आ गई थी। अपनी एंट्री पर शमिता ने करण को कहा, वक्त अच्छा हो या बुरा हो, जब हम सांस लेना नहीं छोड़ते तो फिर हम काम कैसे छोड़ सकते हैं। सच कहूँ तो बिग बॉस का ऑफर मुझे काफी पहले ही आ गया था, जिसके बाद मैंने शो साइन करके कमिटमेंट दे दी थी। इस बीच काफी कुछ बदल गया, बहुत कुछ हुआ तो मैंने सोचा कि शो में नहीं जाती हूँ। मुझे लगा कि ये बिग बॉस में जाने का सही समय नहीं है, पर मैंने पहले ही कमिटमेंट कर दिया था। और एक बार जो मैं कमिटमेंट करती हूँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। वहीं अब स्पॉट बॉय की रिपोर्ट की माने तो शमिता ने स्टेज पर झूठ बोला है। जी हाँ, स्पॉट बॉय को एक सोर्स ने बताया, शमिता को पहले शो में प्रतियोगी के रूप में दिखाने का ऑफर नहीं मिला था, बल्कि शो के शुरू होने के 4 दिन पहले मेकर्स ने उन्हें शो के लिए अप्रोच किया और उन्होंने हाँ कह दिया। वेल, अगर शमिता ने झूठ बोला है तो इसके पीछे क्या वजह है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि उनके फैंस उन्हें शो में देखकर काफी खुश हैं। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर, बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।